हेलो दोस्तों, आज हमारी नई रेसिपी है जो कि बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना हुआ है। उसको बनाने के लिए हम एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और एक चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ले लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से एक पेस्ट बनाएंगे। मुझे इसी तरह सा पेस्ट चाहिए था। कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से गरम करेंगे जो कि उबाल आ जाए। इसमें हम जो पेस्ट बनाए थे वो हाथ के अनुसार इसी तरह से डाल देंगे। दोस्तों, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। इसको छोटा छोटा करके ही डालना। ज़्यादा बड़ा डालोगे तो ये पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही डालना। और जो पक जाएगा दोस्तों तो ये ऊपर खुद इस तरह से आ जाएगा। और हम इसे इस तरह से चला दे रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में नीचे चिपके ना। अब ये पक गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल कर हम एक इस पे प्लेट में डाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ी धनिया डालकर और इसमें प्याज डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे जो कि थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। फिर उसमें हम जैसे डाल देंगे, डालकर अच्छे से इसको हम चला लेंगे। अब इसमें नमक डालकर अच्छे से चला लेंगे। चलाकर इसको हम ढक देंगे। 1 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। देखो दोस्तों, अभी अच्छे से हो गया। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालकर फिर से एक बार चलाएंगे और ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये जितना अच्छा इसका कलर आया है, ये उससे भी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट है। आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं ये कैसे बना हुआ है। अच्छा बना हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।